जातीय जनगणना से ही आएगा रामराज। अखिलेश यादव ने योगी सरकार से सबका साथ सबका विकास की मांग की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है। पिछले कई महीनों से लगातार इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमला पर अखिलेश ने शनिवार को फिर से इसकी मांग की। अखिलेश ने कहा कि राम राज्य और समाजवाद तभी संभव है जब जातीय जनगणना होगी। अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, समाजवाद तभी संभव है जब जाति जनगणना हो। जाने ना होने के बाद ही सबका साथ सबका विकास होगा। जातीय जनगणना से ही भाईचारा है। जाति जनगणना से ही भेदभाव खत्म होगा। जातीय जनगणना से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। जातीय जनगणना से ही समाजवाद आएगा। जातिगत जनगणना से ही राम राज्य आएगा। गौरतलब है कि कई क्षेत्रीय दल लंबे समय से जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाते रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने आखिरकार जाति को जनगणना का काम शुरू कर दिया है। जातियों की गिनती का काम दो चरणों में पूरा होगा। इस फैसले के बाद अखिलेश यादव ने अपनी मांग और भी तेज कर दी है। बिहार के नेता अखिलेश यादव ने सड़क से लेकर सदन तक जातीय जनगणना की मांग उठाई है। अभी दो महीने पहले ही उन्होंने विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान भी यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब बिहार में जातीय जनगणना हो सकती है तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। उन्होंने भाजपा सरकार से मांग करने के साथ ही यह बात भी स्पष्ट रूप से कही कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो 3 महीने के अंदर ही यूपी में जातिगत जनगणना का काम संपन्न कराया जाएगा।